सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है, एक पिक्चर आती है या एक वीडियो आती है जिसमें भारत के एक प्रमुख व्यक्ति का, एक भारत के बोधिसत्व का या विश्व रत्न का या किसी भी गणमान्य व्यक्ति का अगर कहीं मूर्ति का खंडन, भंजन या मूर्ति को तोड़ा जाता है, आइडोल को तोड़ा जाता है, प्रतिमा को, तो उस पर बहुत सारे प्रतिक्रिया में मैसेज आते हैं। अधिकतर जो मैसेज होते हैं वो प्रतिरोध के स्वरूप होते हैं, बड़ी आग के साथ होते हैं और कुछ उसमें समझदार भरे भी हो सकते हैं। ऐसा एक प्रश्न आया कि आप जो भारत में खासतौर से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं उनके विषय में बताएं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो मूर्ति का फिनोमिना है, मूर्ति को लगाने का या बनाने का, वो क्या है। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमें ये समझना आसान हो जाएगा कि मूर्ति कौन तोड़ता है, क्यों तोड़ता है, क्योंकि अधिकतर केसों में मूर्ति तोड़ने वाले को ये पता ही नहीं होता कि वो तोड़ क्या रहा है या वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको दिमाग में या उसके मन में या जो बात उसे बहुत पहले से बताई जा रही है उसका वो एक रिजल्ट होता है। जो बात उसको तोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है उस बात तक अगर वो पहुँच जाएगा तो वो कभी भी किसी की भी मूर्ति नहीं तोड़ेगा। मूर्ति जो लगाई जाती है, अगर हम ये समझ लें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मूर्ति तोड़ने का भी फिनोमेना क्या है। मूर्तियाँ भारत के अंदर तब बननी स्टार्ट हुई, दुनिया के अंदर तब बननी शुरू हुई, आरंभ हुई पत्थर की, खास तौर से जब तांबा आ गया या लोहा आ गया। उससे पहले जो बनती थी वो पिक्चर्स बनती थी। 30,000 साल पुरानी पिक्चर्स भारत के अंदर मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की जो जगह है वहाँ पर मिलती हैं, आपको नेट पर मिल जाएंगी। उसके पहले या उसके बाद लोग हाथ से या पेड़ों पे या पत्थरों पे या कहीं रेत पे या कहीं मिट्टी पे या मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी की चित्रकारी, वो सब चीज़ें क्योंकि मनुष्य ने जब सीख लिया, उसकी चेतना आरंभ हो गई, समझदारी आरंभ हो गई, तो वो अपनी कला में पारंगत होने के लिए ये सब काम करने लगा। प्रारंभिक मनुष्य से लेके और आज तक भी परंपरागत रूप से अपनी कला को, आर्ट को सुधारने के लिए लोग हर तरह से प्रतिमाएं, मूर्ति, पिक्चर, कलाकारियां बनाते रहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल बात है। मगर जो मूर्तियां लगाई जाती हैं उनके लगाने के कुछ खास कारण हैं। पहला कारण है प्रेरणा के लिए, यानी कि आप उस मूर्ति से प्रेरणा लें। वो आपके पिता की हो सकती है, माता की हो सकती है, या जिसने आपको कुछ किया है उसकी हो सकती है, या जिसने देश और दुनिया के लिए कुछ किया है उसकी हो सकती है, और वो आप पे घोर शत्रु की भी हो सकती है जिसे आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है, उसकी भी आप बनवा सकते हैं, उसकी बनवा के आप पैरों के नीचे या ज़मीन में गड़वा सकते हैं। ऐसा ईर्ष्या के कारण भी होता है। प्रेरणा दोनों तरह की होती है, निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। श्रद्धावश बनवा सकते हैं, आपको किसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और उसमें प्यार में आप इतने ज़्यादा गहरे चले गए तो श्रद्धावश या अंधश्रद्धावश आप उसकी प्रतिमा या मूर्ति बनवा सकते हैं, जो भी आपका उपास्य है, जो आपका जिसको आप चाहते हैं या जो आपको बहुत अच्छा लगता है। घृणावश भी बनवा सकते हैं, व्यापार के लिए बनवा सकते हैं। व्यापार के लिए मूर्तियां खरीदने बेचने के लिए, क्योंकि लोगों की भावना जुड़ी होती हैं, वो किस तरह की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं, किस तरह की बनवाना चाहते हैं, अपनी, अपने पिता की, पड़ोसी की, अपनी माँ की, बहन की या अपनी किसी प्रियतम की, जो भी है, जैसी भी मूर्तियां हैं वो बनवा सकते हैं और इसका खरीदने बेचने का व्यापार होता है। और व्यापार के लिए मूर्तियाँ बना के रखी जाती हैं, ऑर्डर पर भी बनती हैं, इसलिए इसका एक व्यापार भी बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो व्यापार है, इस पे जो पैसा लोग चढ़ाते हैं अपनी उपासना के कारण, जो इस पे खाना फल फूल चढ़ाते हैं, वो भी एक व्यापार का हिस्सा है, जो व्यापार के कारण ये बनाई जाती हैं। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बनाई जाती हैं। कृतज्ञता का मतलब है कि किसी ने आपको बहुत कुछ दिया और आप उसके प्रति ऑब्लाइज्ड हैं और आप उसको कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं, तो आप स्टैचू उसके जीते जी, यानी मूर्ति उसके जीते जी बना के दे सकते हैं या बनवा सकते हैं या बाद में लगा सकते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकते हैं। साल दर साल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके जन्म तिथि पे या उनकी जो मरण तिथि होती है उस पे आगे अपनी कृतज्ञता या उसको सैल्यूट करते हैं और वहाँ आके अपने सिद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अपनी निगाह में ऊँचा उठने के लिए, आपने कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ऊँचा उठूँ और अपनी निगाह में ऊँचा उठूँ, इसके लिए भी लोग अपनी प्रतिमा खुद बनवाते हैं और लगवाते हैं ताकि वो ऊपर की स्थिति में उठते हुए दिखाई दें। और अवमानना के दोष से मुक्त होने के लिए भी, एजुकेशन के लिए बहुत सारी स्टैचू बनती हैं। एजुकेशन जैसे स्कल्पचर होते हैं जो मेडिकल साइंस के अंदर होते हैं या आर्ट में होते हैं, वहाँ
जैसे मनुष्य का शरीर है, वहाँ उसकी एक मूर्ति बना के उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके जो अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में, शरीर के अंगों के बारे में बताया जाता है। तो एजुकेशन में बहुत सारी मूर्तियों के काम आती हैं। इसके अलावा कलात्मक दृष्टि से जगह जगह आपको शहरों में, गलियों में, स्ट्रीटों में, चौराहों में कलात्मक दृष्टि से होंगी, वो किसी की नहीं होती। वो एक खूबसूरत नारी की हो सकती है, एक खूबसूरत पुरुष की हो सकती है, एक बच्चे की हो सकती है, एक माता की हो सकती है, एक छोटे बच्चे माता के साथ हो सकती है, एक बूढ़े की हो सकती है, किसी भी तरह की कलात्मक मूर्तियाँ हो सकती हैं जो आपको देखने में सुंदर लगें, जो आपके दिल को अच्छी लगें। ऐसी भी आपको जगह जगह चौराहों पर पूरी दुनिया के अंदर आपको मिल जाएंगी। मनोरंजन के लिए मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा गुड्डे गुड़िया की मूर्तियाँ बचपन में आपने खूब खरीदी होंगी, छोटी छोटी होती हैं, सिपाही की मूर्ति है या जज की मूर्ति है या किसी राजा की मूर्ति है या दरबार की मूर्ति है, अलग अलग घुड़सवार की मूर्ति है। ऐसी जो मूर्तियाँ हैं जो मनोरंजन के हिसाब से बनाई जाती हैं, गुड्डे गुड़िया की जो मूर्तियाँ होती हैं वो दुनिया में प्रचलित हैं, उसके लिए बनाई जाती हैं। वर्चस्व के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि आप मूर्ति लगाएँ, विजय चिन्ह के रूप में लगाएं या वर्चस्व के रूप में लगाएं या एक घोषणा के रूप में लगाएं कि अब हमारा यहाँ अधिकार है, हम यहाँ के बादशाह हैं, हमारा यहाँ सब कुछ चलता है। उसके लिए भी लोग लगाते हैं, अपनी मूर्ति लगाते हैं, अलग अलग तरह से मूर्ति लगाते हैं, हथियारों के साथ भी लगाते हैं, यानी तलवार लेके कोई खड़ा हुआ है, कोई बंदूक लेके खड़ा हुआ है, वर्चस्व के रूप में भी लगाते हैं। शहीदों की लगाते हैं, यादगार के रूप में लगाते हैं, जिसने जो काम किया है उसके हिसाब से लगाते हैं। अपना नाम अमर करने के लिए लोग लगाते हैं, क्योंकि वर्चस्व होगा तो नाम अमर करने के लिए अपनी मूर्तियाँ लगा देते हैं, क्योंकि अमर होने की लालसा मनुष्य के अंदर बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी भारी है। मरना नहीं चाहता, इसलिए अमर होने के लिए अपनी मूर्ति लगा देता है। यकीन नहीं करता, पता नहीं कोई और लगाए ना लगाए, इससे पहले अपनी खुद लगा दें, ऐसा भी होता है। या अपनी मूर्ति के रूप में किसी और की मूर्ति लगा देते हैं। राजनीतिक रूप में मूर्तियाँ लगती हैं, राजनीतिक लाभ के लिए, यानी कि आपको लोगों को खुश करना है और उसके बदले में आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा, आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इसके लिए भी मूर्तियों के माल्यार्पण या मूर्तियों के उद्घाटन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में होते हैं और ऐतिहासिक उद्देश्य होते हैं। ऐतिहासिक उद्देश्य का मतलब है कि जानकारी सुरक्षित रहे, मूर्तियों के रूप में इतिहास की जानकारी सुरक्षित रहे, तो मूर्तियों के साथ में कुछ लिख भी देते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता चले ये पुराने समय की बात है कि मूर्ति ने ये कहा और ये बात हुई और यहाँ ऐसे ऐसे हुआ। सम्राट अशोक के समय में तो 84,000 पत्थर की किताबें और स्तंभ और मूर्तियाँ, घोड़े की, हाथी की, बैल की, ये सब उसने बनाई और जगह जगह उसने लगवाई, वो आज तक भी सुरक्षित हैं और उन्हीं से हम जान पाए कि सम्राट अशोक का जो राज्य था वो कितना अच्छा था। ये मूर्ति लगाने के सारे कारण हैं कि लोग मूर्तियाँ क्यों लगाते हैं या क्यों बनाते हैं। इसमें पिक्चर्स भी आती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, वह भी आती हैं। अब मूर्ति तोड़ते क्यों हैं? अब मूर्ति तोड़ने के कारण बड़े मनोरंजक हैं, बड़े ही अजीब से कारण हैं कि लोग मूर्तियाँ तोड़ते क्यों हैं। अधिकतर दुनिया के अंदर जो मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं वो सत्ता बदलने पर तोड़ी जाती हैं। एक सत्ता है, दूसरी आई, तो वो इतना ज़्यादा ईर्ष्या रखता है उससे, क्योंकि लोगों के मन से उसको बिल्कुल मिटाना चाहता है, तो इसलिए उसकी सारी मूर्तियाँ तुड़वा देता है। दुनिया में आप नेट उठाएंगे तो आपको हजारों शासकों की मूर्तियाँ डाउन करती हुई मिलेंगी। मूर्ति से अगर उम्मीद आपकी पूरी हो जाए और मूर्ति आपकी उम्मीदों पर खरी ना उतरे, तब भी लोग मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जैसे मुंबई के अंदर मूर्ति बहुत प्यार से बनाते हैं एक मेले के अंदर और उसको विसर्जित कर देते हैं, और मूर्ति से अगर उम्मीद ना पूरी हो तो अभी लोग मूर्ति को तोड़ देते हैं गुस्से में आके। मूर्ति अगर मनुष्य ने गढ़ी है और ये बात मनुष्य को पता चल जाए कि जब छेनी आई, जब हथौड़ा आया, जब तांबा आया, जब धातु की कोई चीज़ आई, तब हमने पत्थर छीलना शुरू किया और तब मूर्ति बनाई और ये मनुष्य ने बनाई है और आज भी मनुष्य ही इसको बनाता है, तो वो अगर ये जान लेता है तो अभी वो मूर्ति को तोड़ देता है, खुद अपने हाथ से तोड़ देता है। और अगर मूर्ति से भय लगने लगे, अगर डर लगने लगे, तो भी मूर्ति को वो तोड़ देता है, क्योंकि मूर्ति से अगर कोई फायदा हो, डरावनी हो या ख़राब हो जाए, तो भी उसको तोड़ देता है। मूर्ति का अगर चलन पुराना हो जाए, यानी कि एक तरह की मूर्ति है और वो चलते चलते पुरानी हो जाए, तो नई पीढ़ी पुरानी मूर्तियों को तोड़ देती है या ख़त्म कर देती है और नई तरह की मूर्तियाँ बनाती रहती हैं। मॉडर्न जो स्कल्पचर्स आर्ट है वो तेज़ी से आती जा रही है और पुरानी वाली जो आर्ट है वो लगभग ख़त्म होती जा रही है। ये सारी दुनिया के अंदर चलन होता है, मॉडर्न आर्ट आती रहती है, पुरानी जो ओल्ड आर्ट है वो साइड में चली जाती है, वो हिस्टोरिकल हो जाती है। मूर्ति से आपको चढ़ने लगने लगे, यानी मूर्ति में जो पिक्चर है, जो इमेज बनी हुई है, उसका जो करेक्टर है, जो सोशल करेक्टर है या जो हिस्टोरिक करेक्टर है, अगर उससे आपको चिढ़ होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो भी मूर्ति टूटती है और लोग उसको तोड़ते हैं। बहुत केसों के अंदर, खासतौर से भारत में, तोड़ने वाले को लालच या पैसा दिया जाता है
और उसको कहा जाता है कि इसको खंडित कर दे या इसको भंजित कर दे या इस पर कोई कलर लगा दे या इसको कुछ डैमेज कर दे, उसको पता ही नहीं होता। वो नशा करके, पता करके और बेहोशी की हालत में वो मूर्तियों को तोड़ता है। भारत में अधिकतर केस इस तरह के हैं जो होता है, या जो एकाधिकार वर्चस्व को तोड़ना चाहता है उसको भी होता है। राजनीतिक भय से भी होता है, अगर मूर्ति लगती हैं और उसका राजनीतिक नुकसान हो तो भी मूर्तियाँ तोड़वाई जाती हैं। भारत में मूर्ति तोड़ने के ये कारण हैं, ऐतिहासिक कारण तो है, क्योंकि इतिहास को अगर मिटाना हो तो मूर्तियों को और पत्थर पर जो लिखी हुई आलेख है या जो बनाया हुआ है उसको अगर आप मिटा देंगे तो वो इतिहास मिट जाएगा और नया इतिहास आप बनाए ना बनाए, तो इतिहास मिटाने के लिए भी मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। ये मूर्ति तोड़ने के कारण हैं और मूर्ति बनाने के कारण हैं। अब भारत के अंदर जो डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूर्तियाँ हैं उनको जो तोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी आती हैं, आती रहती हैं, क्योंकि मूर्तियाँ बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं, ये बड़े एक अलग सी बात है भारत के अंदर, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जो करैक्टर है वो पूरी दुनिया में भारत जैसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में आप अगर जाएंगे और हम कहेंगे कि हम बुद्ध के कंट्री से आए तो आपको अपने कंट्री का नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। सेम सिचुएशन और सेम कंडीशन धीरे धीरे डॉक्टर अम्बेडकर की होती जा रही है। डॉक्टर अम्बेडकर छठे नंबर के विद्वान हैं, पूरी दुनिया उनको सल्यूट करती है, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनके बस्ट लगने शुरू हो गए हैं, उनके पोस्ट लगने शुरू हो गए हैं। और आप ध्यान दीजिए इस खास बात को कि दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा भारत में कोई और व्यक्ति नहीं है जिसको लोग मानते हैं, दुनिया के विद्वान, और दुनिया में भारत के अंदर, भारत में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोई दूसरा विद्वान भी नहीं है जिसे दुनिया माने। आप पूरी हिस्ट्री उठा लीजिए, आप पूरी हिस्ट्री उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बुद्ध के बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ही वो व्यक्ति हैं जिनकी विद्वत्ता को, जिनकी नॉलेज को, जिनके ज्ञान को, जिनकी एजुकेशन को, जिनकी जानकारी को, जिनके करैक्टर को, जिनके व्यवहार को और जिनकी आदत को और जिनके काम को, क्योंकि उन्होंने दुनिया में उस समय 6 करोड़ लोगों का एक साथ फ़ायदा किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अकेले व्यक्ति द्वारा लोगों का उद्धार है। 6 करोड़ व्यक्तियों का उद्धार दुनिया में आज तक किसी ने एक साथ नहीं किया, और ना ही ऐसा संविधान बनाया जो 20 देशों ने एडॉप्ट किया है और आज उसको फॉलो बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये छवि जो है, ये छवि इतनी बड़ी छवि है, ये अगर कोई आदमी उसको तोड़ता है तो ये लाजमी है कि आप उसको ये नहीं बता पाए कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत के हैं, भारतीय हैं जैसे आप भारतीय हैं। वो कहीं बाहर के नहीं हैं, दुनिया के किसी दूसरे देश के नहीं हैं, और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो दुनिया को नुकसान पहुंचाता हो। भारत की दबाव छोड़िए, भारत को तो उन्होंने बहुत फ़ायदा दिया है, दुनिया को भी नुकसान पहुंचाता हो। ऐसे इंसान की जो व्यक्ति मूर्ति के तोड़ने के बारे में सोचता है नादान है, उसको पता नहीं है। गलती आपकी है कि आपने उनकी खूबियों को पूरी दुनिया तक नहीं पहुँचाया, नहीं बताया। आपने नहीं बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर पूरी दुनिया के हैं। आप नहीं बता पाए कि डॉक्टर अम्बेडकर पूरे भारत के हैं। आप डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत छोटा करके अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। इस बात से लोगों को परेशानी होती है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर जैसी विशाल छवि को लोगों के दिलों तक नहीं स्थापित कर पाए। मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगा के और सर झुका के प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीते जी बहुत लोगों की पिटाई छड़ी से की जो उनके पैर छूना चाहते थे। पूजा के वो विरुद्ध थे, मनुष्य व्यक्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध थे। ऐसे ही बुद्ध के अंदर, बुद्ध ने भी अपनी मूर्तियों के लिए कभी नहीं कहा, लोगों ने उनकी मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी और उनकी पूजा भी शुरू। बुद्ध ने कहा था कि अगर मुझसे मिलना हो तो जो मैं लिख के जा रहा हूँ या जो मैंने बताया है या जो त्रिपिटक में है आप उसको देखना, मैं दिखाई दूंगा। ऐसी डॉक्टर अम्बेडकर के जो वॉल्यूम्स हैं, जो किताबें हैं, उनको देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। दुनिया में मूर्ति तोड़ने का और मूर्ति पूजने का कोई चलन आज की डेट में नया नहीं है। आपको ध्यान होगा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने काबा से 360 मूर्तियां निकालकर बाहर फेंकी। वहां मूर्ति पूजा होती थी और वहां बहुत ज़्यादा आडंबर और अंधविश्वास था। वो मूर्तियां दुनिया के अंदर चारों तरफ फैलीं और वहां से वो टूटती रहती हैं और बनती रहती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने या बुद्ध ने या जितने भी संत हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप उनकी मूर्ति बनाइए, उनकी मूर्ति लगाइए और उनकी मूर्ति को पूजिए। आपको उनकी बात माननी चाहिए। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो आप उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को देख लीजिए। अगर आप उनको पढ़ना भी नहीं चाहते या आप उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पास समय नहीं है, तो 22 प्रतिज्ञाओं में, यानी 22 जो कमांडमेंट्स हैं, इन 22 कमांडमेंट्स में आपको सारी बातें वो मिल जाएंगी जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर सीखने के बाद आपको दी हैं, ताकि आपका जीवन
सुख में रहे और सुखी रहे। अगर आप उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हो तो आपको मूर्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपने कोई मूर्ति लगाई है और वो मूर्ति टूटी है तो आप शांत रहिए। पहला काम आप कीजिए कि आप इसको ज़्यादा मत फैलाइए, क्योंकि अगर जिसने मूर्ति तोड़ी है वो चाहता है कि आप उग्र हो जाएं, वो चाहता है कि आप परेशान हो जाएं, वो चाहता है कि आप झगड़ें, वो चाहता है कि आप अपनी ऊर्जा इस काम में लगाएं, वो चाहता है कि आप इसमें अटक जाएं, वो चाहता है कि आप इसके अंदर फंस जाएं। तो जब आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो उसका मंसूबा ख़त्म हो जाएगा तोड़ने वाले का। उसे खुद बड़ा ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि ऐसा क्या हो गया कि ये मूर्ति तोड़ी भी और मैंने कहीं प्रतिक्रिया नहीं हुई। मगर मूर्ति टूटी है, अगर आप उसकी कार्रवाई नहीं करेंगे तो सामने वाले की हिम्मत पड़ेगी, वो फिर उग्र भी हो सकता है। इसलिए कानून रूप में, संविधान रूप में, आप अपने गांव, अपना तहसील, अपना ब्लॉक या अपना जिला या आपका स्टेट जो भी है, वहाँ जो भी कार्रवाई बनती है 10-5 समझदार लोगों को इकट्ठा करके आप सारी कानूनी कार्रवाई कीजिए। आपको कोई ना कोई वकील मिल जाएगा जो आपके साथ होगा, वो सारी कानूनी कार्रवाई कराएगा और आप इसको भारत के राष्ट्रपति तक कीजिए और लगातार इसको फॉलो करते रहिए। इससे वो रुक जाएगा, वहाँ दबाव बनेगा और पुलिस को वहाँ सुरक्षा देनी पड़ेगी और वहाँ जो व्यवस्था होगी, यानी जो कानूनी व्यवस्था होगी या जो वहाँ प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो वहाँ स्टैचू को मरम्मत कराएगा या स्टैचू को लगवाएगा। आपके पास में इतना डिजिटल मीडिया है, जब ये सारी कार्रवाई हो जाए, पहले नहीं, जब ये सारी कार्रवाई हो जाए तो आप उस कार्रवाई के साथ में डिजिटल मीडिया में जाइए, ऐसे ऐसे यहाँ ये हुआ और हमने इस पर ये कार्रवाई की और अब ये यहाँ ये है, इसको संज्ञान में लाइए और इसको बता दीजिए कि ऐसा हुआ है। वहाँ आसपास के लोग हैं, उनसे अपील कीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई आपका नुकसान नहीं किया है और हमने भी नहीं किया है, इसलिए आप अपने आप को परेशान ना करें और डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को ना तोड़ें। ऐसा रिक्वेस्ट कीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में होगा, कोई काम ऐसा मत कीजिए, ना ही कोई किसी को गाली दीजिए, ना ही गलौज दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है। और आपको पता भी है तो आप शांत रहिए, क्योंकि वैर से वैर शांत कभी नहीं होता। तोड़ने वाले को ये पता ही नहीं है कि वो तोड़ क्या रहा है, क्योंकि तोड़वा कोई और रहा है, उसके मन में किसी ने ये बात भरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर अच्छे नहीं हैं, किसी ने ये बात भरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर कुछ लोगों के हैं, किसी ने भरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। आप उनसे पूछिए, क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने आपका कोई नुकसान किया? क्या देश का कोई नुकसान किया? क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया का कोई नुकसान किया? क्या डॉक्टर अम्बेडकर का करैक्टर ख़राब है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बातें पूरी दुनिया में लिखी हैं और बताई हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें एक भी बात खराब है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर संतों के संत नहीं है? क्या उनको बोधिसत्व की उपाधि नहीं मिली हुई है? बोधिसत्व की उपाधि बहुत बड़ी होती है, बुद्ध से एक नंबर कम है। उनसे पूछिए कि विश्वरत्न क्यों बोलते हैं? 6 करोड़ लोगों का उद्धार करने वाले अकेले व्यक्ति को विश्वरत्न दुनिया में बोलते हैं। तो आप जब उनसे प्रश्न करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आंखें नीची हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास कोई रीजन ही नहीं है। उनके मन में ये जानकारी भरी है कि डॉक्टर अम्बेडकर से हमारा बड़ा नुकसान हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये किया। उनसे पूछिए, कैसे नुकसान हुआ है? कैसे आपको घृणा है? क्यों आपको दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है? तो किसी के पास एक सिंगल भी जवाब नहीं मिलेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अगर गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को समझदारी में बदलिए और आप वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की जो किताबें हैं, खास तौर से एनालिसिस ऑफ कास्ट है या भगवान बुद्ध उनका धम्म है या जो संविधान है, ये 3 किताबें इंपॉर्टेंट हैं, उनका पठन पाठन बढ़ाइए। आप कसम खाइए कि हमारी ये स्टैचू टूटी है तो हम अपने 20 लोगों को और पढ़ाएंगे, अपने आसपास के 50 लोगों को और पढ़ाएंगे और बताएंगे। वहाँ शिक्षा का जन जागरण अभियान चला दीजिए, हफ्ते भर तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक आप वहाँ डेली पठन पाठ कीजिए और डेली समझिए और समझाइए। जानकारी आप बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टाइम वहाँ कोई मूर्ति तोड़ने के बारे में सोचेगा नहीं, बल्कि मूर्ति का सहयोग करेंगे और हो सकता है कि जिन्होंने तोड़ी है वो शर्मिंदा हों और वो खुद ही मूर्ति को ठीक करें। आप ये बात मान लीजिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के करेक्टर में, उनके काम में, पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए जितनी देशभक्ति और जितनी दुनिया की भक्ति और जितना बड़ा काम उन्होंने 6 करोड़ लोगों को ज़मीन से उठा के ऊपर किया है, वो एप्रिशिएबल है। आने वाले समय में जैसे इसको बुद्ध की धरती बोला जाता है भारत को, वैसे ही इसे अम्बेडकर की धरती के नाम से दुनिया में पहचाना जाएगा। दुनिया की कोई ताकत अच्छे काम को कभी नहीं रोक पाती। आप खुद भी रोकना चाहेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर को रोक दें, आप रोक नहीं पाएंगे, बेशक आप उनके अनुयायी हैं तब भी, क्योंकि काम जिसका अच्छा होता है, जो संत होता है, उसे दुनिया चाहती है। एक सिद्धांत है कि जो डाकों का सरदार होता है, जो डॉन होता है, जो
पिक्चरों के अंदर जो भाई जिसको बोलते हैं वो होता है, जो कातिलों का कातिल होता है वो भी अपनी बहन के लिए सज्जन व्यक्ति ढूंढता है कि इसका रिश्ता सज्जन परिवार में, ईमानदार परिवार में हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर की छवि बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन, बहुत त्यागशील, अपने चारों बच्चे उन्होंने त्याग दिए, सारा परिवार त्याग दिया, बहुत कुछ ले दे सकते थे, मगर उन्होंने इस भारत को उठाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात स्पष्ट कही थी कि जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा, जब तक इस देश से गरीबी नहीं मिटेगी, जब तक ये नीचे के पड़े हुए जो लोग हैं, जब तक ये पढ़ लिख के ऊपर देश के लिए काबिल और देश के पिलर नहीं बनेंगे, भारत अमेरिका चीन से टक्कर नहीं ले सकता। ये बात बिल्कुल सच है, दम है, सो कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर मूर्ति टूटती है तो आप ज़्यादा उग्र ना हों और शांत रहें और अपनी कार्रवाई करते रहें। धन्यवाद।